क्या ये अपनी लीग आईपीएल कौन देखता है, रणजी ट्रॉफी कौन देखता है, इंडियन प्लेयर्स को कौन देखता है? तो अभी कादिर बैठे होते हैं ना, तो मैं उन्हें बताती, बल्कि ये इसके बाद शायद सुन ही रहे होंगे कि 27 करोड़ ऋषभ पंत वॉज अ एक्सपेंसिव प्लेयर, ठीक है, जो पाकिस्तानी कितना बनता है, मेरे ख्याल से 88 करोड़ समथिंग आगे 888 की फिगर बनती है, ठीक है, ये बनता है। और आप बताएं पीएसएल की पूरी टीम आ सकती है 88 करोड़ में? 88 करोड़ में एग्जैक्टली दो टीमें, ठीक है, दो टीमें बन सकती हैं। तो फिर आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? पहले पीएसएल जब हुई, मैं आपको बताता हूँ, पहली पीएसएल हुई थी तो सबसे जो सस्ती टीम हमारी थी ना, सबसे सस्ती थी वो 9 करोड़ की थी, और सबसे महंगी टीम थी वो 34 करोड़ की थी, पूरी टीम की मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। हमारा जो लॉजिस्टिक खर्चा आया था ना पहले जो पीएसएल थी, 34 करोड़ रुपया लॉजिस्टिक खर्चा था पूरी टीमों को दुबई ले जाने का, दुबई से लाने का। तो यहाँ तो एक प्लेयर की आप 80 करोड़ बता रही हैं, 88 करोड़ में बता रही हैं, 27 करोड़। तो फिर आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? दुनिया में इस वक्त पैसे की जो है ना सारी पावर है क्रिकेट के अंदर। आप देखिए कल सऊदी अरब के अंदर आईपीएल का जो है वो ऑक्शन हुआ, ऋषभ पंत 27 करोड़ में जो है वो एक टीम ने खरीद ली है, किसी को 25 करोड़ में खरीद लिया शरिया सैयर को, इसी तरह बाकी प्लेयर करोड़ों में गए। सऊदी अरब में क्रिकेट पहुंच गई है और वो इंडियंस लेके गए हैं। मैं अब आपको समझा रहा हूँ जियोलॉजिकल चीजें, समझे आप जरा क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की कितनी वैल्यू है और दुनिया किस तरह से इंडिपेंडेंट होके सोच रही है। तो हमें भी ये याद रखना है कि हमने आइसोलेट नहीं होना है, हमें भी अपने आप को कुछ बनाना है, उस लेवल पर आए उसके बाद हम करें। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे रमीज राजा माजी में कहते थे कि आप बड़ी टीमों को हराना शुरू कर दें, लोग खुद आपके घर आएंगे। सबसे पहले जो ब्रांड रिकॉल है इंडियन प्रीमियर लीग का, प्रोबेबली इनकंपेरेबल है, अनमैच्ड है। क्या डॉक, इसमें वाकई में अनमैच्ड, अब अनमैच्ड हो गया, और क्योंकि ग्रेजुअली आपने इसको ब्रांड को बढ़ाया है, कम नहीं होने दिया, टीम भी बढ़ाई, 10 टीम खेल रही है, 74 गेम्स है, और जो टाइम रखा है फ्रेम उसमें कोई क्रिकेट, बहुत बड़ी क्रिकेट नहीं हो रही होती। मेजर जो स्टेक होल्डर है इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स हैं, इंडिया खुद है, 6-7 बड़े कंट्रीज के प्लेयर यहीं पे आके खेल रहे हैं, और तमाम टॉप प्लेयर्स, ह्यूज बिजनेस से इन्वॉल्व है, पैसा नहीं बोलूंगा, बिजनेस इन्वॉल्व है, और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो, स्टेडियम राइट्स हो, जो कुछ भी है, मतलब कि एक जमाने में सुनील गावस्कर ने कहा था कि ये इवेंट जो है आईपीएल आईसीसी से शायद बड़ा होता है, वो टीम के लिहाज से बोल रहे थे कि सारी टीम बिग टीम दो, तो कहीं से वो बात ठीक थी, ज्यादातर मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात लगती है जाके। यार जो ब्रांड की बात की आपने, वैल्यूज की बात, बिगेस्ट ब्रांड तो इसमें कोई डाउट थोड़ी है टॉप। लेकिन अगर हम राइट और लेफ्ट फोर इंडियन प्लेयर्स वाज द यू नो एक्सपेंसिव, उनकी एक जो है ना फिगर मुझे याद है कि एक तो ऋषभ पंत, उसके बाद अगर आप चाहल की बात करें, इसी के साथ आई गेस के अर्शदीप सिंह, दोनों 18-18 करोड़ उनका हुआ, फिर इसी के साथ साथ एक और नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, तकरीबन उनकी भी 26 करोड़ तक वो भी हुए। तो आप देखेंगे ये जो एक लेगेसी है, श्रेयस अय्यर, श्रेयस भी 26 करोड़ समथिंग जो है वो 26.27 करोड़। पीएसएल और आईपीएल के बारे में हम आपको बताने लगे हैं कि पीएसएल जो है वो पाकिस्तान की लीग है और आईपीएल जो है वो इंडिया की लीग है। आईपीएल का मेगा ऑक्शन जो है वो हो चुका है, तमाम प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल में तमाम टीमों ने खरीद लिए हैं। पीएसएल का अभी जो है वो ड्राफ्ट होना बाकी है, तो देखते हैं कि पीएसएल में कौन सबसे महंगा प्लेयर रहता है। तो पीएसएल के हवाले से भी अपडेट आ रही है कि अगले वीक या इसी अगले मंथ जो है वो पीएसएल का ड्राफ्ट भी हो जाएगा। तो पीएसएल में कुछ प्लेयर जो हैं वो आईपीएल में चले जाएंगे और उसके बाद जो बकिया प्लेयर हैं वो पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि पीएसएल इस साल आईपीएल के दौरान ही करवाई जाएगी। पहले पीएसएल फरवरी में होती थी, लेकिन फरवरी में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, तो इसलिए मार्च के महीने में जो है वो पीएसएल करवाई जाएगी।